पहले तो कहना चाहूँगी कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेजबीन जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि मैं समझती हूँ जो आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इतने अपने लाइव्स में बिज़ी हो जाते हैं कि हम कभी अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। और जो मेजबीन जी ने ये खोला है द थाई विला, ये स्पेशलाइज़ करता है मसाजेस में, स्ट्रेस रिलीव में। ये खुद कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, जैसे इन्होंने कहा इनको स्किन का भी ज्ञान है और बाकी भी ये जानती हैं सब। तो आई थिंक एक एडवांटेज है कि आप एक ऐसी जगह आओ जहां आपको स्ट्रेस रिलीफ, जहां स्पा ट्रीटमेंट्स भी मिलते हैं, यानी कि मसाजेस वगैरह वगैरह। जैसे कि आपने देखा वो लिटरली एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स है वो दबा दबा के, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉल पी रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा बीपी लो है, तो उसने कहा मैं दो मिनट में ठीक कर देती हूँ। तो ये दीज आर वेरी नेचुरल थेरेपीज़। एंड जैसे कि मैंने कहा एडवांटेज है क्योंकि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो आप चाहे ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए आओ या आप स्ट्रेस रिलीफ के लिए आओ, आई थिंक द थाई विला इज़ द राइट प्लेस टू बी एट। सो आई एम वेरी हैप्पी शी इज़ ओपन समथिंग लाइक दैट फॉर ऑल ऑफ अस। तुझे अभी पता चला? कितने सालों के बाद आया इंडस्ट्री में? मजाक कर रही हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग। काय का रेंज? इयर रिंग्स? आपको मेरे इयर रिंग्स अच्छे लगे? ये इयर रिंग्स आई थिंक अम्रपाली के हैं, मेरा सिल्वर कलेक्शन है। चाहिए? किसको देगा? गर्लफ्रेंड को देगा या खुद पहनेगा? आजकल तो पता नहीं चलता, खुद पहनेगा या गर्लफ्रेंड को देगा। सो आई रिकमेंड यू नो टू पीपल दैट दे मस्ट गो टू प्लेसेस लाइक दिस, और लिटिल बिट इज अ मस्ट रिक्वायर्ड फॉर टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। सो आई थिंक लाइक आई सेड दिस इज द राइट प्लेस टू बी एट।